हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। हमने क्लास 10th का पोइम की थी अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेसली नॉरिस। आज हम इसी का थर्ड स्टेंजा करेंगे। इस थर्ड स्टेंजा में राइटर क्या कहता है कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। पहला वर्ड आया है स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग मीन्स मेकिंग साउंड। जब हम कई बार नाक से साउंड प्रोड्यूस करते हैं या जंगल में जब दहाड़ मारता है जब शेर, तो अराउंड हाउसेस, उसके बाद वो जंगल से बाहर निकल कर कहाँ आ जाता है, घरों के पास। राइटर क्या कहते हैं, अ टाइगर जो के इन द जू, आज इस जू में, इस चिड़ियाघर में, इस एक पिंजरे में बंद है, जो पहले स्टेंजा में 4 या 5 कदम ही चल पाता है पिंजरे के अंदर, फिर दूसरे स्टेंजा में वो कहीं नदी या तालाब के किनारे पानी के चारों ओर प्यास से तड़फते हुए आने वाले मोटे मोटे डियर, हिरणों के शिकार की तलाश में, या तो उसे नदी के पास होना चाहिए था या उसे जंगल से निकलकर घरों के आस पास होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, एज जो है, एज होता है बॉर्डर, सीमा या किनारा, कि जो जंगल है, जंगल के किनारे जो घर बने हुए होते हैं, वहां पर उसे स्नार्लिंग, द साउंड ऑफ जो शेर दहाड़ता है, वो वाली आवाज करनी चाहिए। बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स, उसके जो सफेद सफेद फैंग्स, फैंग्स मीन्स टिथ, फैंग्स होते दांत, टिथ, उसके जो टिथ हैं, फैंग्स हैं, उनको दिखाना चाहिए। एज है हमारा बॉर्डर और स्नॉर्लिंग है हमारा साउंड। सफेद दांत दिखा करके, हिज क्लॉज, क्लॉज होता है पंजे, जो पैर के पंजे हैं, फिट पे जो नाखून होते हैं उनके नेल्स। अगर आप शेर को ध्यान से देखो तो खतरे की दो ही चीजें हैं, या तो वो दांत से अपने शिकार को फाड़ता है या पंजों से उसे घायल करता है। तो वो कहता है कि जब जंगल के बॉर्डर से घरों के पास आकर तेज आवाज में साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड ऑफ द रोरिंग ऑफ द लायन और द टाइगर और एनी एनिमल, उसके बाद क्या होगा, बारिंग, प्रोड्यूसिंग फियर, डर पैदा करेगा, हिज क्लॉज, टेररिजिंग द विलेज, विलेज मीन्स विलेज में जितने भी लोग रहते हैं उनको टेररिजिंग करेगा, उनको डराएगा। और अब थर्ड स्टेंजा के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वही बनेगा, नेम ऑफ द पॉइंट, सेकंड नेम ऑफ द पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, इस स्टेंजा में वेयर शुड द टाइगर बी, कहाँ होना चाहिए, बी मीन्स होना, तो आंसर बनेगा कि इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, उसे होना चाहिए कहाँ पर, अराउंड हाउसेस, नियर द बॉर्डर ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, क्या दिखाता है टाइगर, व्हाट डज द टाइगर शो, इट शोज इट्स व्हाइट फैंग्स, फैंग्स मीन्स टिथ, सफेद, सफेद क्या होता है, दांत। एड भी आते हैं हमारी, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं, तो व्हाइट देखते ही हमें फैंग्स अपने आप ध्यान आ जाना चाहिए कि सफेद दांतों से, एंड हिज क्लॉज, क्लॉज मीन्स उसके जो पंजे हैं, नेल्स हैं, उनके साथ गांव वालों को डराते हुए, टेरर करना, उनके अंदर डर पैदा करना, और वो सारे के सारे उनसे अफ्रेड हो जाएंगे, डर जाएंगे। These were the certain questions of stanza number 3. Thank you.